हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर जीके क्लास वंस अगेन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर 8, 10 and 11, दैट आर फेमस फर्स्ट सिटीज एंड रिवर्स एंड अमेजिंग लैंडमार्क्स। ओके, so let us start our today's class without wasting our time. So firstly we will revise chapter 8, famous first. famous first means ऐसे person, उन्होंने जो भी काम किए उसके पहले वो काम किसी भी person ने नहीं किया था, so that's why those person are called famous first. means कि उन्होंने जिस भी field में जो काम किया उसके पहले उस फील्ड में किसी भी पर्सन ने ऐसा काम, ऐसा वर्क, ऐसा फेम नहीं प्राप्त किया था। ओके, सो फर्स्ट इज द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर। हु वॉज द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर? मीन्स अंतरिक्ष में, स्पेस में ट्रेवल करने वाला पहला पर्सन कौन था? सो दिस इज यूरी गागरिन। यूरी गागरिन इज द फर्स्ट पर्सन टू स्पेस ट्रेवल। यूरी गागरिन स्पेस में ट्रेवल करने वाले पहले व्यक्ति थे, पहले पर्सन थे। ओके, सेकेंड द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, सो दिस इज बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। बछेंद्री पाल पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। मीन्स की बछेंद्री पाल के पहले कोई भी वोमन माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ी थी। एंड थर्ड द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल। द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल, सो दिस इज रोल्ड अमंडसन। रोल्ड अमंडसन इज द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल। एज वी नो देयर इज टू पोल्स ऑफ अर्थ। अर्थ के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो साउथ पोल पे पहुंचने वाले फर्स्ट मैन, फर्स्ट पर्सन कौन थे? रोल्ड अमंडसन। मीन्स की पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति रोल्ड अमंडसन है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मैन ऑन द मून। द फर्स्ट मैन ऑन द मून मीन्स चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति, सो दिस इज नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग इज द फर्स्ट मैन ऑन द मून। मीन्स चंद्रमा पे पहला कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। नंबर फिफ्थ द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज इन टेस्ट एंड वन डे क्रिकेट। द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज इन टेस्ट एंड वन डे क्रिकेट, सो दिस इज सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाए हैं। मीन्स 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरे किए हैं टेस्ट और वनडे क्रिकेट को मिला के। सो ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। एंड डू यू नो द निकनेम ऑफ सचिन तेंदुलकर या सॉबरी के? सो मास्टर बास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ओके, नेक्स्ट इज द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया एंड लीव अ रिकॉर्ड। द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया एंड लीव अ रिकॉर्ड, सो दिस इज फाहियान। फाहियान, फाहियान पहला चीनी यात्री था जिन्होंने, जिसने भारत में ट्रैवल किया, जिसने भारत में यात्रा की
और अपने पूरे यात्रा के बारे में लिखा, एक रिकॉर्ड छोड़ा। फाइयान चीन का रहने वाला था और उसने भारत में यात्रा की। उसने अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ भी देखा उस सब के बारे में उसने लिखा, और जो कि वो एक रिकॉर्ड छोड़ के गया। तो ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? फाइयान। नेक्स्ट इज द फर्स्ट वुमन टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। सो दिस इज सिरिमाओ बंदरनायके इज द फर्स्ट वुमन टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। उसकी किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? सिरिमाओ बंदरनायके। और सिरिमाओ बंदरनायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। इनके पहले किसी भी कंट्री में कोई भी वोमन प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी। सो सिरिमाओ बंदरनायके द फर्स्ट वोमन टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो दिस इज जॉर्ज वॉशिंगटन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मीन्स कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। ओके, एंड हियर इज डू यू नो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टैब्लिश द प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग। सी नर्स द वॉन्टेड सोल्जर ऑफ द क्रीमिया वॉर 1853 टू 1856 एंड वॉज लविंगली निकनेम्ड द लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पहली पर्सन थी जिन्होंने नर्स के प्रोफेशन को इस्टेब्लिश किया। इन्होंने क्रीमियाई वार जो कि 1853 से 1856 तक चला था, उसमें जो भी घायल सोल्जर्स थे उनका उपचार किया और इनके इस भावना के लिए इनका निकनेम द लेडी विद द लैम्प है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लोग लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं। नाउ लुक एट चैप्टर 10 सिटीज एंड River have always been a source of life for humans and animals. They are home to several animals, fishes and plants. They serve our various needs like food, energy, transportation, irrigation and hydrants. So rivers are considered to be the lifelines of human civilization. Nadiyan hamare liye bahut zaruri hain. नदियों को जीवन का, मानव सभ्यता का लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये बहुत सारे जानवरों का भी घर होते हैं, इसमें बहुत सारे फिशेस, प्लांट्स और ढेर सारे एनिमल्स होते हैं। इसके साथ साथ भी मानव मीन्स ह्यूमन बींग को भी इससे जल मिलता है। सो सम सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ फेमस रिवर। So now let us see. Tokyo is the city of Japan country and Tokyo is situated on the bank of river Sumeda. Tokyo शहर जो कि जापान में है वो सुमेदा नदी के किनारे बसा हुआ है। Next is Bonn. City of Germany situated on the bank of Rhine. बोन शहर जर्मनी का एक शहर है, बोन जो कि राइन रिवर के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट इज कैरो सिटी ऑफ इजिप्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नील रिवर। कैरो इजिप्ट का कैरो शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट इज लाहौर सिटी ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी। पाकिस्तान का लाहौर शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट इज़ लिस्बन
city of Portugal is situated on the bank of Tagus River. पुर्तगाल का लिस्बन शहर टैगस रिवर के किनारे बसा हुआ है. नेक्स्ट इज नंबर 6, लंदन, सिटी ऑफ इंग्लैंड, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ थेम्स रिवर. इंग्लैंड का लंदन शहर थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है. नेक्स्ट इज कोलकाता, सिटी ऑफ इंडिया, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर. भारत का कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है. नेक्स्ट इज नंबर 8, संघाई सिटी ऑफ चाइना, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ वांगपो रिवर. चाइना का संघाई शहर वांगपो नदी के किनारे बसा हुआ है. पेरिस, सिटी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का पेरिस शहर शेन नदी के किनारे बसा हुआ है. नेक्स्ट इज दिल्ली, इंडिया, दिल्ली सिटी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर. भारत का दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है. नेक्स्ट इज रोम, सिटी ऑफ इटली, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ टाइबर रिवर. इटली का रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है. नेक्स्ट इज न्यूयॉर्क, सिटी ऑफ यूएसए, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हडसन रिवर. यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. सो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है. एंड लास्ट इज बगदाद, सिटी ऑफ इराक, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ टिग्रिस रिवर. इराक का बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है. ओके, नाउ लुक एट चैप्टर 11, अमेजिंग लैंडमार्क्स. इंडिया में ऐसे, इंडिया और इंडिया से बाहर मीन्स कि अदर कंट्रीज़ में भी ऐसे बहुत से लैंडमार्क्स हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट देम. सो फर्स्ट इज अ बुद्धिस्ट पगोडा इन यांगून, म्यांमार. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बुद्धिस्ट पगोडा? म्यांमार शहर में स्थित एक बुद्धिस्ट पगोडा है. इसका क्या नाम है? कैन यू टेल मी? यस, द नेम ऑफ दिस पगोडा इज द गोल्डन पगोडा. अ बुद्धिस्ट पगोडा इन यांगून, म्यांमार. सो नेम ऑफ दिस पगोडा इज द गोल्डन पगोडा. म्यांमार में एक बौद्ध का पगोडा यांगून, म्यांमार में स्थित है. आप स्क्रीन पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पूरा गोल्डन कलर का है. सो इस पगोडा का नेम है द गोल्डन पगोडा. नेक्स्ट इज अ माउंटेन ऑन विच द फेसेस ऑफ 4 US प्रेसिडेंट्स आर कार्व. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस माउंटेन? दिस इज माउंट रशमोर. दिस इज माउंट रशमोर. माउंट रशमोर पे US के, US मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट के फेस को कार्व किया गया है, मीन्स उनके फेस को बनाया गया है. आप स्क्रीन पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि ये एक माउंटेन है जिस पे US के 4 प्रेसिडेंट के फेस को बनाया गया है. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस माउंटेन? सो दिस इज़ माउंट रशमोर. नंबर 3, 34 केव टेम्पल्स कार्व आउट ऑफ द रॉक फेस ऑफ अ हिल लोकेटेड इन महाराष्ट्र. 34 केव टेम्पल्स कार्व आउट ऑफ द रॉक फेस ऑफ अ हिल लोकेटेड इन महाराष्ट्र. सो दिस इज अलोरा, दिस इज अलोरा केव. महाराष्ट्र में स्थित एक
हिल पे, एक पहाड़ी पे 34 केव टेम्पल्स को बनाया गया है। मीन्स एक पहाड़ी है जिसपे कि 34 केव मीन्स गुफा, तो गुफा में 34 टेम्पल्स को बनाया गया है। सो इस केव का नेम है अलोरा, अलोरा केव, एंड दिस इज इन महाराष्ट्र। अलोरा केव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नंबर फोर्थ, अ ब्रिज इन सैन फ्रांसिस्को USA, अ ब्रिज इन सैन फ्रांसिस्को USA, USA के सैन फ्रांसिस्को में स्थित एक ब्रिज। सो नेम ऑफ दिस ब्रिज इज द गोल्डन गेट ब्रिज, द गोल्डन गेट ब्रिज। आप फिगर में जिस ब्रिज को देख रहे हैं उस ब्रिज का नेम है द गोल्डन गेट ब्रिज। नंबर फिफ्थ, अ टेम्पल इन जापान विच इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट वुडन बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, अ टेम्पल इन जापान विच इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट वुडन बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। आप स्क्रीन पे जिस टेम्पल को देख रहे हैं ये एक जापान में स्थित एक टेम्पल है जो कि लकड़ी से बना हुआ है, और ये लकड़ी से बनी हुई सबसे पुरानी बिल्डिंग में से एक है, ये लकड़ी से बनी हुई सबसे पुरानी बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्या, ये एक टेम्पल है जो कि जापान में स्थित है। सो द नेम ऑफ दिस टेम्पल इज होयूजी टेम्पल, होयूजी टेम्पल। सिक्स्थ, एन एम्फीथिएटर ऑफ एंशिएंट रोम यूज्ड फॉर चैरियट रेसेस एंड नाउ कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक पार्क। मीन्स प्राचीन रोम में एक, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये एक एम्फीथिएटर था जिसका यूज़ चैरियट रेसिंग में किया जाता था, बट नाउ दिस प्लेस इज कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक पार्क, लेकिन अब इस प्लेस को पब्लिक पार्क के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो नेम ऑफ दिस प्लेस इज सर्कस मैक्सिमस, नेम ऑफ दिस प्लेस इज सर्कस मैक्सिमस। नंबर सेवन, अ स्टैचू विद अ लायंस बॉडी एंड अ वुमन्स हेड इन इजिप्ट, अ स्टैचू विद अ लायंस बॉडी एंड अ वुमन्स हेड इन इजिप्ट। आप फिगर में जिस स्टैचू को देख रहे हैं उसकी, इस स्टैचू की बॉडी कैसी है, लॉयन के बॉडी मीन्स शेर की बॉडी की तरह बनाई गई है, बट इसका हेड जो है वो एक वुमन्स का हेड की तरह इसको बनाया गया है। सो दिस इज इन इजिप्ट एंड नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज द स्फिंक्स ऑफ गीजा, द स्फिंक्स ऑफ गीजा। ओके, जो स्फिंक्स ऑफ गीजा है वो एक ऐसा स्टैचू है जिसकी बॉडी तो लायंस की बॉडी है बट उसका हेड वुमन्स का हेड है। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। सो नाउ दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू लर्न ऑल दिस चैप्टर्स, एंड इफ यू हैव नॉट मेड योर नोट्स सो प्लीज़ प्रिपेयर योर नोट्स प्रॉपरली एंड लर्न ऑल दिस चैप्टर्स। Okay? Thank you and God bless you, my dear students.